अगली खबर में बात करते हैं जबलपुर की, जहां मध्य प्रदेश के 6 जिलों में मंगलवार सुबह भूकंप के झटके महसूस हुए। इसका केंद्र डिंडौरी रहा। यह सुबह 8:43:50 पर धरती हिलने पर लोग डर गए। झटके लगने से कई लोग घरों से निकलकर बाहर आ गए। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 3.9 आंकी गई। इसका हाइपो सेंटर 10 किलोमीटर गहराई पर था। भूकंप के झटके डिंडौरी, जबलपुर, मंडला, अनूपपुर, बालाघाट और उमरिया जिले में महसूस हुए। जबलपुर में भूकंप के झटके सबसे ज्यादा पाटन और रानी दुर्गावती समाधि स्थल के आसपास महसूस किए गए। इसके अलावा रांची में भी कुछ जगह पर हलचल हुई। रांची में रहने वाले राजेश विश्वकर्मा ने बताया कि वह सो रहे थे, तभी अचानक ऐसा महसूस हुआ जैसे बेड हिला हो। मैं उठकर बाहर आया तो देखा बहुत से लोग घरों के बाहर निकल आए हैं। भूकंप करीब 8:44 पर आया था। भूकंप का केंद्र बिंदु जबलपुर से करीब 30 किलोमीटर दूर डिंडौरी जिले की ओर था। जिस वक्त भूकंप आया उस दौरान स्कूल खुल चुके थे। झटके महसूस होते ही स्कूल मैनेजमेंट ने तुरंत बच्चों को बाहर निकाला और खुले मैदान में ले गए। रांची स्थित गैब्रियल स्कूल मैनेजमेंट ने तो तत्काल सभी बच्चों को क्लास से बाहर निकाल कर ग्राउंड पर लेकर जाने के निर्देश दिए। टीचरों ने तत्काल सभी को मैदान पर पहुँचाए। मेडिकल एरिया की रहने वाली रुकमणी देवी ने कहा, धरती हिले तो मैं घबरा गई, बहुत जोर से धरती थर थर कांप रही थी। जबलपुर कलेक्टर डॉक्टर इलैया राजा की ने कहा कि जबलपुर में 4.5 तीव्रता का भूकंप जरूर आया था, लेकिन किसी भी तरह की जनहानि नहीं हुई है। हालांकि राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र के अनुसार इसकी तीव्रता 3.9 रही। वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक वेद प्रकाश सिंह के अनुसार मध्यम गति के भूकंप के झटके महसूस हुए हैं। इसका केंद्र जबलपुर के बोलेगांव पंचायत में रहा। भूकंप के झटके 5 से 6 सेकंड तक महसूस हुए। बीते 6 महीने में मध्य प्रदेश में उमरिया, सिवनी, मंडला, सिवनी, जबलपुर, डिंडौरी में झटके महसूस हुए हैं। पश्चिम मध्य प्रदेश में देवास और अलीराजपुर में कंपन हुआ है। इसी साल 6 से 7 भूकंप के झटके अब तक आ चुके हैं। ये बहुत जोर से है नन भाई, एकदम थर थर कप गए। ऐसे ऐसे कंपन डाले। कैसे पता चला, कितनी बार महसूस हुआ? पढ़ाई रही तो ध्यान रखो, मैं बोल रहा हूँ कि ऐसा ही आ रहा। देखिए काहे लोग को नहीं आया, मैंने सोची कि कोई बैठ गया होगा, सुन गए ऐसे ही लोग। इतने सुंदर सुंदर गहने लाए, दुल्हन के रूप में 4 चांद लगाए। रिश्ते को और गहरा बनाए, समदड़िया आभूषण का जादू है छाए।